राम राम जी। देशवाल व्लॉग चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कुछ घरेलू काम और खेत में मैंने एक बाग लगवाया है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। साथियों 30,000 के करीब अपना परिवार हो गया है, ये लगा लो, थोड़ी सी कसर बाकी है और शायद कल हो जाएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार दिया आप लोगों ने। तो दोस्तों करते हैं शुरू आज का व्लॉग। दोस्तों दोपहर के 3 बजे हैं और हमारे घर में चाय की तैयारी हो रही है। चाय तो भाई क्या क्या डाल दिया चाय में? दूध डालूंगा। और क्या क्या डाल दिया? चीनी पत्ती और पानी। तो ये डाल लिया चाय में और के इसमें लाल मिर्च के रही है और ये सोनू ने डाल दिया दूध। तो साथियों ये देखो फर्स्ट क्लास चाय, अभी एक उबाल और आएगा इसमें। अरे वाह काम करने लाग रही है। आज सोनू माज दिए, मजा आया क्यों ना? ना मैं तो घर के मान जूंगा, बाकी मजा तो आता होगा यार ना। नहीं वो जूना जाना मारे जब इसमें पतीले में जब मजा नहीं आता ना। नहीं आता तो मत मान जिया कर। फिर मान लिया करते। आज हमारी लाइट नहीं है, हाथ से ही काटना पड़ेगा। दोस्तों आज सोनू आपने निकाल के दिखा होगी दूध और वो भी गाय का। बड़ा ही सुंदर नजारा। उन्होंने कोशिश करी दूध निकालने की लेकिन गाय ने साफ मना कर दिया। और साथियों ये हमारे भाई की गाय हैं तो ऐसे दूध निकलता है गाय का, देखो आप। दोस्तों गायें बहुत ही इसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, जितनी नरम होती है उतनी खतरनाक भी हो है। जब गायें को गुस्सा आ जाए तो बहुत ही भयंकर रूप गायें का होता है। तो साथियों अब चलेंगे खेत की ओर और खेत में दिखाऊंगा मैं अपना बाग। तो फैमिली है तैयार और सोनू ने तो सूट भी बदल लिया। सूट बदल लिया ना भी ली और मैं ऐसे कैसा है? तू बहुत सियाणी भाई। ये है हमारा खेत साथियों और ये हमारा ट्यूबवेल है। और इस जमीन में 1 एकड़ में मैंने लगाया है अमरूद का बाग। तो साथियों काफ़ी दिन में आज खेत में आया था और कुछ काम किया मैंने। काफ़ी दिन में काम किया है, गर्मी भी बहुत है, हालांकि शाम का टाइम हो रहा है लेकिन काफ़ी पसीने आए आज काम करती है ना, देख सको आप। तो साथियों ये बाग मैंने लगाया अपने खेत में
और इस अमरूद के प्योधे की वैरायटी है हिसार सफेदा। पौधे बड़े बड़े होने लग रहे हैं, बहुत खुशी हुई पौधे देख कि बाग भाई अच्छा चल गया, पेड़ अच्छे चलन लग रहे हैं। लेकिन साथियों एक बात का मन दुख भी है, वो दुख मैं आपके साथ साथ जागरना चाहूँगा आज। वो दुख यो है कि ये पौधे जब मैंने खरीदे तो मुझे 100 रुपये में एक पेड़ मिला था छोटा सा, 100 रुपये में। तो साथियों 100 रुपये में एक पेड़ मिल रहा है तो एक आम किसान मैं नहीं सोचू हूँ, आम किसान मतलब कैसे बागवानी करेगा कि जब हमने प्योधी 100 रुपये में मिल रहा है तो 100 रुपये में एक पेड़ मिल रहा है। जैसे कि हमने 500 पेड़ लगाने हैं तो रकम बहुत ज़्यादा हो जाए दोस्तों, कई हज़ार रुपये हो जाए है। और तो एक मामूली साधारण किसान परिवार में तो टाइम पर 5,000 रुपये भी ना होते भाई, 500 पेड़ के 100 रुपये के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हो जाए हैं। तो इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख होया कि ये एक पेड़ मैंने 100 रुपये में जो मिल गया था, इस बात का दुख है। तो साथियों दुख की बात यही है वैसे कि इसकी प्योध बहुत ज़्यादा महंगी मिली मुझे, वैसे पेड़ काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और अब मेरी एक इच्छा है दोस्तों, अगर आप लोग मेरा साथ दो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं इस सफ़ेदे अमरूद की नर्सरी लगाना चाहूँ और जितनी जितनी लागत में प्योध तैयार होएगी, वह 30 रुपये में हो, 20 रुपये में हो या 40 रुपये में हो, उसी रेट में मैं किसानों को दे सकूं। ये मेरा एक सपना लगा लो, या ये मतलब मैं ये काम करना चाहता हूं, मुझे दिल से खुशी मिलेगी ये काम करके, क्योंकि मुझे 100 रुपये का जो ये प्योधा मिला है उससे मैं बहुत परेशान हूं और दुख भी है मुझे। तो किसान हमारे अन्य खेती छोड़कर बागवानी में क्यों नहीं जा पाते, वे इसलिए नहीं जा पाते कि इसमें खर्चा ज़्यादा है, प्योध ही बहुत महंगी हो है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी खुद की नर्सरी लगाऊं और नर्सरी लगा के जितनी भी लागत प्योध गया होगी उसी लागत पे मैं अपने बाग में भी लगाऊं और किसान भाइयों को भी मैं दे सकूं उस लागत के रेट में, मतलब 30-40 रुपये जितनी भी लागत आओगी। और इस नर्सरी का काम दोस्तों मैं प्रॉपर तरीके से करना चाहूँ। तो साथियों मैं अपने अभिनय के साथ साथ जो हरियाणवी में अभिनय करूँ मैं, वो तो मैं करता रहूँगा, वो तो मेरा काम है, लेकिन हमारा पुश्तैनी काम जो है वो है खेती का। तो ये काम भी करना ज़रूरी है, इसमें भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि खेती हम छोड़ नहीं सकते, किसान खेती छोड़ ही नहीं सकता। साथियों मैं इस नर्सरी का काम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना चाहूँ, उसमें मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो है अपनी हिसार यूनिवर्सिटी और एक है BR एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो मैं कौन सी मैं तो कोर्स करूं, क्योंकि एक महीने का इसका कोर्स होगा, प्योध लगाना भाई, कैसे उसका रखरखाव करना है, किस समय पे उसके कटिंग करनी है, कौन सा उसमें खाद डालनी है, कितने दिन बाद पानी देना है, तो ये सब मुझे कोर्स करना पड़ेगा एक महीने का। तो आप सभी साथी एक बार सुझाव दें, जो कृषि के बारे में जानता हो, खेती के बारे में जानता हो, कि कहाँ से मुझे कोर्स करना पड़ेगा और कहाँ से मुझे कोर्स करना अच्छा रहेगा और कहाँ से मैं कोर्स करूँ, तो आप लोग सुझाव दे सकते हो। तो बाग तो ठीक अच्छा हो रहा है और आज आ गया था घूमने भाई खेत में। तो साथियों वैसे यो था आज कि मैं आप लोगों से राय लूं, रूबरू हो जाऊं, आप बता सको खेती के बारे में, मन ने भी ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है बागवानी के बारे में, लेकिन एक या छोटी सी कोशिश करी है। तो साथियों अपना कीमती सुझाव ज़रूर दें और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करना। साथियों ये हमारा बाग है, आप लोग आते सुझाव मांगे, कुछ सुझाव ज़रूर दियो कमेंट करके। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखना, हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राम राम दोस्तों।